नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च करी है, चालान करेक्शन की। तो अब आप चालान करेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसकी फैसिलिटी आपको लॉगिन करके मिल सकती है। तो आज हम जानेंगे कि किस किस तरीके से चालान आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है, और हम एक लाइव भी करके बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने चालान को करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले, जब भी हम चालान बोलते हैं तो चालान मींस क्या है? चालान एक बड़ा ही ब्रॉड टर्म है। चालान में आपका जाता है जनरली, अगर टैक्स के हिसाब से देखें तो टीडीएस के चालान, टीसीएस के चालान और इनकम टैक्स के चालान। इनकम टैक्स में क्या होता है, चालान जब आप करते हैं तो एक होती है आपकी जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की चालान, एडवांस टैक्स की चालान। तो अब ये सारे चालान मैं सारी बताऊंगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे सिर्फ इनकम टैक्स की जो चालान है उसको करेक्ट करने के ऑप्शन आए हैं, बट ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल थी इनकम टैक्स के चालान करेक्ट करने के लिए ऑफलाइन मोड में, और टीडीएस के चालान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करेक्ट करने के ऑप्शन थे। तो मैं थोड़ा सा सबको कवर करूंगा और आपको लाइव बताऊंगा कि नई जो अपडेट आई है वो क्या है। तो सबसे पहले, आपको जब एक चालान देखते हो तो आप क्या क्या चीज उसमें करेक्शन के लिए सोच सकते हो। जैसे ये 1000 रुपए का चालान है, तो या तो आप यहां पे पैन नंबर आपने गलत डाल दिया हो, या नाम गलत डाल दिया हो, या असेसमेंट ईयर गलत डाल दिया हो, या मेजर हेड माइनर हेड, मतलब ये सेल्फ एडवांस टैक्स होना चाहिए था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे कर दिया, या फिर अपने मेजर हेड, ये मान लेते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स था या वेल्थ टैक्स था। आपको पता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके पे होती है, तो आपको वो पे करना था, आपने इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लिया, या इनकम टैक्स फॉर कंपनी था, मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स था, आपने अदर देन कंपनी सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट भी गलत हो सकता है। अमाउंट कैसे गलत हो सकता है? सपोज कीजिए कि आपने चालान जनरेट किया 1000 रुपए का, और आप बैंक गए, बैंक में आपने जो चेक दिया, चेक पे 10,000 कर दिया, या फिर 10,000 का चालान था, आपने 1000 कर दिया, तो अमाउंट भी करेक्ट करना पड़ सकता है, नहीं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिसमैच आएगी। तो अभी तक क्या है, मैं एक पहले टीडीएस और इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए, अगर आपको मेजर हेड माइनर हेड ये दोनों चेंज करना है, तो इसके लिए टाइमलाइन है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें आपको, जैसे आपको असेसमेंट ईयर चेंज करना है, पैन चेंज करना है, नेम चेंज करनी है, अमाउंट चेंज करनी है, ये डिपॉजिट के 7 दिन के अंदर कर सकते हैं। मानते कि टीडीएस का चलान हो, तो टीडीएस के चलान में जैसे मैंने बताया कि असेसमेंट ईयर बाकी सारे 7 दिन, और ये मेजर हेड माइनर हेड नेचर ऑफ पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, मैं टीडीएस के लिए बता रहा हूं, या इनकम टैक्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। अगर ऑनलाइन चलान है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया, नेट बैंकिंग से पे किया, डेबिट कार्ड से पे किया, पेमेंट गेटवे से पे किया, तो आपको कंसर्न्ड असेसिंग ऑफिसर को यह लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर फिजिकल चलान है तो आपको या तो आप कलेक्टिंग बैंक को लिख सकते हैं या असेसिंग ऑफिसर, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं या दोनों को भी लिख सकते हैं। देखिए, इस फॉर्मेट में, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन देना होगा अलॉन्ग विथ ऑल द प्रूफ्स, आपको अटैच करके देनी होगी। बट टीडीएस के चालान में क्या होता है ना, आप ऑनलाइन भी इसको अपडेट करेक्ट कर सकते हैं, वो ट्रेसेस की वेबसाइट पर जानी होती है। आपको पता होगा कि जो आप फॉर्म 16 जनरेट करते हैं, आपको मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट किया या किसी पार्टी ने टैक्स डिडक्ट किया, तो उनको आपका टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, तो वो ट्रेसेस की वेबसाइट पर जाके, ये ट्रेसेस की वेबसाइट है, लॉग इन करके आप वो करेक्ट कर सकते हो। इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बना दूंगा। अब आते हैं, क्या इनकम टैक्स के केस में भी ये एप्लीकेबल है? यस, बिल्कुल, आपको इनकम टैक्स के केस में भी ऐसे ही करना होगा कि इनकम टैक्स अगर आपने ऑनलाइन पे करा है, अगर उसमें करेक्शन करवाना है तो आपको कंसर्न असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, और अगर फिजिकल है तो बैंक और असेसिंग ऑफिसर दोनों के पास जा सकते हैं। ये तो हो गई पुरानी बातें, अब तक ये चल रही थी, लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ चीजें चेंज करी कि आप ये करेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वो क्या चीजें हैं, वो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि पैन चेंज भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी पैन चेंज ऑनलाइन नहीं आ रही है, सिर्फ असेसमेंट ईयर चेंज और माइनर हेड मेजर हेड चेंज अभी आ रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ईयर अगर आपको चेंज करनी है तो 7 दिन के अंदर, और माइनर हेड मेजर हेड तो 3 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं।
अभी मैं एक आपको लाइव करके बताता हूं कि ये कैसे कहां से ये फैसिलिटी दी हुई है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहले लॉगिन करनी होगी, उसके बाद सर्विसेज में जाएंगे। यहां पे देखिए चालान करेक्शन है, यहां पे आपको क्लिक करना है। जब आप चालान करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। अभी अगर मैंने कोई चालान करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट की होती तो यहां पे आती। अभी मेरा कोई चालान करेक्शन का रिक्वेस्ट सबमिटेड नहीं है, मुझे नई क्रिएट करनी है, तो मैं क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। याद रहे यहां से आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपने जो चालान करेक्शन की रिक्वेस्ट डाली है वो सही है या नहीं है, मतलब वो अप्रूव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आप यहां ये क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूं। ये मैंने एक चालान पे किया था, इस चालान की डेट 3 महीने से अंदर है लेकिन 7 दिन के बाद है, मैं आपको दिखाता हूं। और ये जो फैसिलिटी दी है इनकम टैक्स ने वो दी है 2021 असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड, मतलब आप 2021 21-22 और 22-23 23-24 इसी में आप अगर चालान पे किया है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कभी भी पैन और असेसमेंट ईयर एक साथ करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब पैन भी आपने चेंज किया और असेसमेंट ईयर भी आपने चेंज किया, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। बाकी सारे करेक्शन आपके एक साथ हो सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यहां पे जो है, अगर मानते हैं असेसमेंट ईयर मुझे चेंज करनी थी, मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखिए दो ऑप्शन है, या तो जिस असेसमेंट ईयर में आपने पे किया है वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर आपका चालान नंबर है तो आप चालान नंबर से भी इसे कर सकते हैं। मेरे पास दोनों है, मैं चलो एक मैंने इसमें पे किया था, जो अभी मैंने आपको चालान दिखाया वो था असेसमेंट ईयर 23-24 का, तो मैं ये 23-24 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 23-24 मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, तो यहां मैंने एक ही चालान पे किया था, वो चालान की डिटेल आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहां चालान की डिटेल पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है, लेकिन सिंस ये 7 दिन मेरी बीत चुकी है तो अब मुझे सिर्फ जो एसेसिंग ऑफिसर है उसी के पास जाके ये करेक्शन अप्रूव करना करवाना होगा, अदरवाइज ये अप्रूव नहीं होगी। मतलब 7 दिन के बाद हो चुकी है तो हम इसे नहीं कर सकते। कुछ कुछ आपको वेबसाइट बताएगी कि पैन नंबर भी करेक्शन का अभी दे रहा है, लेकिन अभी वो ऑनलाइन आई नहीं है, वो मैं अभी आपको दिखा ही रहा हूं कि क्या क्या दे रही है। देखिए बस यही 3 चीजें दे रही है। अब अगर आपको मेजर हेड माइनर हेड चेंज करना है, लेकिन इसके लिए भी आपको ध्यान ये रखना है कि अगर माइनर हेड 100, 300, 400 है तभी आप चेंज कर पाएंगे, नहीं तो मतलब ऑनलाइन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज तो कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंसर्न एसेसिंग ऑफिसर के पास जाके आपको जो सबमिट एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो करना होगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने अभी आपको दिखा दिया था। चलो मैं मानता हूं कि मुझे मेजर हेड चेंज करनी है या माइनर हेड, मैं दोनों को क्लिक कर लेता हूं। मैं यहां पे कंटिन्यू करूंगा, सिमिलर असेसमेंट ईयर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये मेरा चालान आ गया। अब देखिए इस पे क्या करना है, इस पे मुझे क्लिक करना है, यहां पे टिक करके मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपडेटेड चालान डिटेल यहां पे भरनी है। अब अपडेटेड चालान डिटेल यहां पे कैसे भरेंगे, यहां पे देखिए ऑलरेडी मैंने इसको इनकम टैक्स अदर देन कंपनी में फाइल किया था। अब मानते कि मैंने गलती से कर दिया था, ये कॉर्पोरेशन टैक्स था या एक्सपेंडिचर टैक्स था या वेल्थ टैक्स था, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा कि ये वेल्थ टैक्स था भैया, इसलिए ये गलती हो गई। दूसरी यहां जो मेरा माइनर हेड है, माइनर हेड यहां पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स था या आउटस्टैंडिंग टैक्स था, पहले मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स किया हुआ था, अभी मानते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग डिमांड टैक्स था। मैं इस पे करके 100 DRN पे क्लिक करूंगा, ये जो मैंने पे किया था वो आ जाएगी। यहां पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। आपको ध्यान रहे ये आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी OTP के थ्रू, अगर आप OTP के थ्रू वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये सबमिट नहीं होगी। ये देखिए ये समरी आ चुकी है, अगर आपको ये अब ठीक है तो आप कंटिन्यू करके आप वेरीफाई करके अपना जो करेक्शन की रिक्वेस्ट है वो प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको किसमें लगता है कुछ गलती है, ये एग्जिस्टिंग चालान डिटेल दे रहा है, ये टू बी अपडेटेड दे रहा है, अगर मान लेते हैं कि नहीं अगर कुछ और है, सिर्फ मुझे माइनर डिटेल मानते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही करना था और मतलब ये अदर देन कंपनी की ही थी मेजर हेड, माइनर हेड था आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, तो मैं वो कर सकता हूं। यहां जाके बैक जाऊंगा, मतलब यहां एडिट करके मैं वो भी करेक्ट कर सकता हूं। इसके लिए फिर से आपको इस पेज पे आनी है, यहां पे सिर्फ एक चेंज इन माइनर हेड पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है असेसमेंट ईयर कंटिन्यू किया तो अब मुझे मेजर हेड की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सिर्फ माइनर हेड का आ रहा है। चलो ये सेल्फ असेसमेंट नहीं थी, ये आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, मैंने आउटस्टैंडिंग डिमांड करके 100 DRN पे क्लिक किया, 100 DRN पे क्लिक करने के बाद यहां पे टिक किया और यहां मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे यहां अपडेटेड डिटेल दिख रही है, इसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा।
कंटिन्यू करने के बाद फिर से जैसे वेरीफाई करते हैं उस तरीके से मुझे अपने आधार ओटीपी से इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका ये डिटेल सबमिट हो जाएगा। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई है। चालान करेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, कब कब हो सकता है, क्या इसके प्रोसीजर हैं और ऑनलाइन क्या फैसिलिटी आई है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। ध्यान रखना है टाइमलाइन 7 दिन और 3 महीने का, उसके बाद अगर आपको करना होगा तो ऑफलाइन ही होगा। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई इसमें नई अपडेट आती है इससे पैन नंबर चेंज का, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, और ट्रेसेस पे कैसे ऑनलाइन TDS चालान कैसे करेक्ट करते हैं उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज रितेश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।